दोस्तों, हमारी पृथ्वी पिछले 4.2 बिलियन ईयर से एग्जिस्टेंस में है और अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शंस देख चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे खतरनाक और विध्वंसक आपदा कौन सी रही है, तो आप सभी बेशक आज से 66 मिलियन साल पहले होने वाले चिक्सुलुब एस्ट्रॉइड कोलिजन का नाम लेंगे, जिसके टकराने के बाद इंस्टेंटली या आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से डायनासोर की पूरी आबादी का सर्वनाश हो गया था और पृथ्वी पर रहने वाले ऑलमोस्ट सभी जीव विलुप्त होने के कगार पर आ चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये उस सवाल का सही जवाब नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि एस्ट्रॉइड का वो टकराव अर्थ के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के आसपास भी नहीं आता है। अब देखो, जहां पर क्रिटेशियस पीरियड में होने वाले इस मास एक्सटिंक्शन की वजह से टोटल लिविंग पॉपुलेशन का सिर्फ 76% हिस्सा ही खत्म हुआ था, तो वहीं पर जैविक इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन इवेंट ने धरती पर मौजूद 90% आबादी को खत्म कर दिया था। अब इस हैरत में डाल देने वाले आंकड़े की वजह से उस घटना को हिस्ट्री में द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, पर आपने इसके बारे में शायद कभी सुना भी नहीं होगा। नाउ, ये घटना कब हुई थी और इसमें ऐसा क्या खतरनाक हो गया था कि धरती पर मौजूद हर 10 में से 9 जीव इस घटना की वजह से खत्म हो गए थे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इसी इग्नोर्ड पर खतरनाक इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, ये बात है परमियन पीरियड की, जो आज से करीब 298.9 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और आज से करीब 252.2 मिलियन साल पहले 46.7 मिलियन सालों के टाइम स्पैन के बाद खत्म हो गया था। जब इस पीरियड की शुरुआत हुई थी तो कंडीशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं थे। दुनिया भर में ग्लेशिएशन इफेक्ट्स देखे जा सकते थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे तापमान ग्लेशिएशन की स्टेज से भी थोड़ा बढ़कर गर्मी की तरफ जाने लगा। नाउ, अगर टेम्परेचर एवरेज स्टेट पर रहे तो हल्का गर्म तापमान हर एक स्पीसीज के लिए परफेक्ट होता है, जहां उसे किसी भी तरह की सर्वाइविंग क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बदकिस्मती से परमियन पीरियड के बीतने के साथ साथ धरती का एवरेज टेम्परेचर एक्सटेंसिवली बढ़ता रहा और इसी ने नींव रखी जैविक इतिहास के सबसे खतरनाक इवेंट की, जिसे आज की डेट में परमियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्लाइमेट चेंज के इस पॉइंट को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे के वीडियो में ना सिर्फ आप इसके पीछे का रीजन समझेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज किसी भी मास एक्सटिंक्शन के पीछे सबसे क्रूशियल रोल क्यों प्ले करता है। तो दोस्तों देखो, बायोडाइवर्सिटी वाज लिटरली बूमिंग एट दिस पॉइंट इन एवरी पॉसिबल वे। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अपने सोल फॉर्म में था। इसी पीरियड में बायोलॉजी की दो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज सिनेप्सिड्स और रेप्टाइल्स का डिवीजन हुआ था और इसी डिवीजन ने आगे जाके कहीं ना कहीं डायनासोर्स की ओरिजिनेशन को भी इनिशिएट किया। पर फिर हुई वो घटना जिसने इसी जीवन की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, दी एक्सप्लोजन। तो दोस्तों, सभी चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही थी अंटिल 251.9 मिलियन ईयर्स अगो, जब अचानक प्रेजेंट टाइम के साइबेरिया में एक सुपर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, विच वॉज सो इंटेंस कि उसे बीते 500 मिलियन सालों में होने वाले सबसे बड़े वॉल्केनिक इवेंट के तौर पर भी देखा जाता है। दिस इवेंट इज कलेक्टिवली नोन एज साइबेरियन ट्रैप्स और जिन्हें परमियन मास एक्सटेंशन का प्राइम कल्प्रिट माना जाता है। अब यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन, देखो, इस धरती पर जब से जीवन ने पैदा लिया है तब से हमने ढेर सारे मास एक्सटिंक्शन को विटनेस किया है और सभी ने डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स छोड़े हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मगर फिर इस वॉल्केनिक इरप्शन में ऐसा क्या अलग था जो इसने इतना भारी नुकसान पहुंचा दिया था? वेल, देयर वेयर टू थिंग्स डिफरेंट अबाउट दिस, नंबर 1 स्केल एंड नंबर 2 ड्यूरेशन। अब स्केल बोले तो इवेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब कि वो कितना बड़ा और विध्वंसक था। physics.org के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि साइबेरियन ट्रैप्स में फूटने वाले ज्वालामुखी और उनका इंपैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े वॉल्केनिक इरप्शन टैम्बोरा इवेंट से भी 4000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। अब साल 1815 में उस हादसे की बात चली ही है तो देखो, इंडोनेशिया में होने वाले तंबोरा इरप्शन ने भी 1,00,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी, मगर उस इरप्शन के खत्म होने के बाद कोई भी दूसरा मेजर इरप्शन तुरंत ही शुरू नहीं हुआ, जिससे कि वो रीजन कुछ सालों के बाद उसके इम्पैक्ट से रिकवर कर गया, लेकिन साइबेरियन ट्रैप्स के साथ ये केस नहीं था।
अब कुछ सोर्सेस कोट करते हैं कि साइबेरियन रीजन में करीब 2 मिलियन यानी कि 20 लाख सालों तक लगातार ऐसे ज्वालामुखी फटते जा रहे थे, और इतने सारे ज्वालामुखियों का एक के बाद एक फटते जाना ना सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है बल्कि आसपास के काफी बड़े एरिया को भी तबाह कर देता है। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है इन वॉल्केनिक इरप्शन में प्रोड्यूस होने वाली राख, और जैविक इतिहास के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन के पीछे का कारण भी ये ज्वालामुखी नहीं बल्कि इनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले ये बाय प्रोडक्ट्स ही थे। तो देखो दोस्तों, लाखों साल तक ज्वालामुखियों के बाद एक फटने से इतना सारा लावा निकला था ना कि उसने करीब 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आज भी बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। बट इट वॉज दी लीस्ट मोस्ट कंसर्न। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के साथ निकली ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जिन्होंने हमारे एटमोस्फेरिक कॉम्पोजिशन को इतना ज्यादा अनबैलेंस कर दिया था कि पूरी बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई थी। पूरी धरती की हवा में इतनी ज्यादा वोल्केनिक ऐश और ग्रीन हाउस गैसेज भर गई थी ना कि जिन्होंने बाकी गैसेज को रिलेटिवली डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और ग्रीन हाउस गैसेज की जब भी बात आती है तो सबसे पहला साइड इफेक्ट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो दिखता है ग्लोबल वार्मिंग में। अब उस दौर में पूरे एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो चुकी थी ना कि जिन्होंने ना सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर को एक्सटेंसिवली बढ़ाकर ग्लेशियर्स की पिघलने की रेट को एक्सेलरेट कर दिया था, बल्कि यही ग्रीन हाउस गैसेस और वॉल्केनो से निकली हुई राख धीरे धीरे दुनिया भर के समुद्र को इनफिल्ट्रेट करने लगी। अब इतना तो आप सभी जानते होंगे कि इंसानों के कंपैरेटिवली समुद्र में रहने वाले जीव और स्पेशली छोटी छोटी मछलियां इन सभी मामलों में कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है। अब शुरुआत में तो टॉक्सिफिकेशन ने इतना ज्यादा मरीन लाइफ को इम्पैक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर जैसे जैसे पानी के अंदर का एसिड और वहां की टॉक्सिसिटी बढ़ती रही वैसे वैसे पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती गई। एज ए रिजल्ट करीब 1.5 लाख साल तक चलने वाले इस चेन ऑफ इवेंट के फाइनल फेज तक आते आते पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी थी और ग्रीन हाउस गैसेस की टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि समुद्र के अंदर रहने वाले जीव समुद्र में रहने के बावजूद ढंग से सांस तक नहीं ले पा रहे थे, और इसी कारण से अंत में उस वक्त एग्जिस्ट करने वाली 95% मरीन स्पीसीज विलुप्त हो गई थी और बाकी बची 5% भी विलुप्त की कगार पर किसी तरह सर्वाइव कर रही थी। अब दोस्तों, ये तो बात हुई समुद्र की, पर पृथ्वी के ऊपर जमीनी हिस्से पर भी बहुत अच्छे हालात नहीं थे। समय समय पर कई बार सेडिमेंटरी रॉक्स का एनालिसिस किया गया है, और हर एनालिसिस में जब जब परमियन एरा में फॉर्म होने वाले सेडिमेंट्स को ऑब्जर्व किया गया तब तब हर बार उनमें बहुत सी फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी नोटिस करी गई, जहां पर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एटमॉस्फेयर भी भारी मात्रा में प्रदूषित हुआ था। अब वहीं पर सेडिमेंटरी लेयर्स ये भी बताती है कि उस वक्त क्लाइमेट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता था। वोलेटाइल इन द सेंस, क्या पता कुछ साल इतना गर्म टेम्परेचर है कि विंटर्स का नामो निशान नहीं है, तो वहीं पर कुछ साल तापमान इतना गिर जाता था जैसे आइस एज आनी ही वाली है। अब लगातार होने वाले इस फ्रीक्वेंट क्लाइमेट चेंज को बहुत सी स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर पाई, और आखिर में इसी इनअडेप्टेबिलिटी ने उनकी जान ले ली। अब टेरेस्ट्रियल स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने का एक कारण और भी था, और वो रीजन कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लेशियर्स की पिघलने की वजह से सी लेवल एक्सटेंसिवली बढ़ा तो कोस्टल एरियाज में रहने वाले जानवरों के लिए हैबिटेट क्राइसिस भी क्रिएट हो गई। नाउ यही हैबिटेट क्राइसिस और एटमॉस्फेयर में क्रिएट हुआ इतना बड़ा ऑक्सीजन डिप्लेशन वजह बनी ऑलमोस्ट सभी एरोबिक स्पीसीज की एक्सटेंशन की, और कुछ इस तरह एक वॉल्केनिक इरप्शन ने 95% मरीन स्पीसीज और 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को खत्म करते हुए अर्थ के सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन को एग्जीक्यूट किया, जिसके फिगर्स को बड़े से बड़ा एस्ट्रॉइड कोलिजन भी नहीं बीट कर पाया है। Now scientists estimate that this crisis led to extinction of 90% overall species जो अर्थ पर रहती थी। और इस घटना के बारे में जानने के बाद हमें ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा सीरियसली लेना ही चाहिए। देखो, जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है तो हम बस नॉर्मल ग्लेशियर्स को पिघलने को ग्लोबल वार्मिंग मान लेते हैं और इसे उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इस मास एक्सटिंक्शन के एग्जांपल से आपको समझना चाहिए कि अनकंट्रोलेबल अमाउंट में यही छोटा सा इवेंट कितना डिवास्टेटिंग बन सकता है। अब आपको क्या लगता है, अगर हैबिटेट क्राइसिस क्रिएट हुआ तो उससे इंसानों को फर्क नहीं पड़ेगा? वेल, मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहर जब डूबेंगे ना तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम इंसानों को ही पड़ेगा। दिस वीडियो इज अ स्मॉल रिमाइंडर अबाउट योर
ड्यूटीज टुवर्ड मदर अर्थ, सो जितना हो सके अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें। क्या पता आपका एक स्टेप लाखों को इंस्पायर करने का काम कर जाए। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, और वो ये कि परमियन मास एक्सटिंक्शन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन खत्म करने वाला एक्सटिंक्शन इवेंट कौन सा था? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। अब अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है और आप इस पर भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अब दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, जहां पर हमने बात किया है कि एक इंसान को मौत के बाद क्या क्या चीजें नजर आती है। यहां पर क्लिक करके इस वीडियो को जाकर अभी देख लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।